हेलो एवरीवन, आप सभी को एक नए ब्लॉग को फिर से स्वागत करते हैं। आज हम आए हैं बेवफा चाय वाला। प्रेम जोड़ी के लिए 15 रुपये की चाय और प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए 10 रुपये की चाय। ये स्टोर बेली रोड में है, बेली रोड किला नंबर 70 है। 70 के जस्ट अपोजिट में ये बेवफा चाय वाला का स्टोर है, बेवफा चाय वाला। प्रेमी जोड़ी के लिए 15 रुपये की चाय है और प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए 10 रुपये की चाय है। ये स्टोर है और देखते हैं क्या चाय है, क्या दोनों में डिफरेंस है। तो आप मेरे साथ बने हुए रहिए। यहाँ पर दो चाय है, कौन सा चाय आप लोग परचेज कर रहे हैं? डर लग रहा है का नहीं? आप दोनों चाय में से कौन सा चाय ले रहे हैं? मतलब एक प्रेम की जोड़ी वाला चाय है, अच्छा धोखा खाया हुआ वाला चाय ले रहे हैं। आप भी वही क्या ले रहे हैं? धोखा खाया हुआ चाय क्या है? प्यार में धोखा खाए हुए लोगों के लिए। अच्छा अच्छा धोखा खाए तो भी 5 रुपये के चक्कर में खा लेंगे। अच्छा 5 रुपये के चक्कर में। चलिए ठीक है, धन्यवाद भैया। ये बेफे का लुक है जो हार्डी चाय बनाते हैं। तो भैया ये बताइए ना, आपके पास दो प्रकार की चाय है, एक प्रेम की जोड़ी वाला, एक प्यार में धोखा खाया हुआ चाय, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वालिटी तो एक ही है ना? अच्छा क्वान्टिटी में अलग है। ओह तो आपने ये नाम कैसे सोचे थे कि जो प्यार में धोखा खाया हुआ लोग का 10 रुपये चाय देंगे और प्यार प्रेम जोड़ी वाले के लिए 15 रुपये का नाम देंगे? ये कहाँ देखे थे या कैसे सोचे थे या क्या कुछ हैपन हुआ था क्या आपके साथ? ठीक चाय है जो धीमे धीमे आँच में पक रहा है तो इसका सुनाफा तो कुछ अलग ही होता होगा। और चाय है जो ऐसे भी माइंड को रिफ्रेश कर देता है। और इसके बाद में ये हाड़ी में बहुत देर, कितना देर तक ये बनाते भैया? ये कौन सी चाय बनाए हैं? ये धोखा वाली चाय बनाए। अच्छा प्यार में धोखा वाला चाय बनाया आपने। तो ये आगे का लुक है। अब ये यहाँ पर हार्डी चाय देते हैं, उसमें कुल्ला में देते हैं, उसमें भी दो वैरायटी का चाय है। एक प्यार में धोखा वाला के लिए 10 रुपये का है, अब प्रेमी जोड़ी के लिए 15 रुपये की चाय है। 15 रुपये में एक कप, 15 रुपये की एक कप। तो बनाइएगा एक प्यार में धोखा चाय खाया हुआ चाय भैया। सिर्फ क्वान्टिटी में अंतर रहता है ना? अच्छा तो ये बन गया। अब ये हार्डी देखिए कितना ज़्यादा लाल हो गया है, मतलब कि ये पूरा भर जाता है, फिर भर के बनाते हैं, फिर खाली करते हैं। तो ये हार्डी तो चेंज नहीं होता होगा ना? हार्डी चेंज होता है दो दिन पे हार्डी नया आता है। अच्छा सामने इसको साफ करते हैं। अच्छा तो ये मिट्टी के हार्डी में इसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। और ये मेरा चाय आ गया, प्यार में धोखा खाया हुआ चाय। अब एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ देखिए दो वैरायटी का चाय था, एक प्रेमी जोड़ी के लिए 15 रुपये का चाय था और प्यार में धोखा खाए हुए लोगों के 10 रुपये का चाय था। तो हमने लिए हैं प्यार में धोखा खाए हुए लोगों की 10 रुपये की चाय। और हार्डी चाय है तो हार्डी चाय का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। हाँ टेस्ट तो बाकी में लाजवाब है, मन खुश कर दिया भाई। ये पिलर नंबर 70 के अपोजिट में है, बेली रोड में। तो आपने कभी यहाँ पर नहीं आए तो एक बार आइए, ट्राई कीजिए बेवफा चाय वाला के पास, बेवफा चाय वाला। क्या भैया क्या बोले? तो मैंने बाहर जाना था घूमने। अच्छा तो मैंने लखनऊ गया था। लखनऊ गए थे आपने? अच्छा अच्छा मतलब कि अपने घूमने जाते हैं हर जगह पर, तो आपने लखनऊ में देखे थे बेवफा चाय वाला, आपने सोचा कि बिहार में भी ये स्टोर खोला जाए। अच्छा अच्छा तो इसके बाद में आपने दो नाम रखा, एक प्यार में धोखा, एक प्रेम जोड़ी। अच्छा तो सबसे ज़्यादा कौन सा चाय सेलिंग होता है भैया? अच्छा प्यार में धोखा पाया वाला, अच्छा प्यार में धोखा खाए हुए लोगों वाला चाय ज़्यादा सेलिंग होता है बता रहे हैं। इनके पास जो चाय बिकता है ना, तो प्यार में धोखा खाए हुए लोगों वाला चाय सबसे ज़्यादा बिकता है, प्रेमी जोड़ी वाला चाय कम बिकता है। और पता ना ये सच्चाई या साहब, दोनों का प्राइस में डिफरेंस है। तो प्राइस में डिफरेंस के चलते बिक रहेगा, एक है प्रेमी जोड़ी के लिए 15 रुपये की चाय और प्यार में धोखा वाला के लिए 10 रुपये की चाय है। अब प्राइस के लिए भी ज़्यादा सेलिंग हो सकता है या सच में इतना लोग प्यार का लोग धोखा खा रहे हैं प्यार में, दोनों अंतर हो सकता है। अब पता नहीं, आप लोग बताइए कॉमेंट में कौन सा सही है। पैसा के डिफरेंस के लिए 10 रुपये वाला चाय ज़्यादा बिक रहा है
या सच में इतना लोग धोखा खा रहे हैं? सबसे ज़्यादा सेलिंग तो ऐसे प्यार में धोखा खाए हुए वाला चाय है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए।